महालया हिंदू कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, भारत और बांग्लादेश में मनाया जाता है। यह दुर्गा पूजा के त्यौहार की शुरुआत का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। महालया संस्कृत शब्द से बना है, जिसका अर्थ है महान निवास, यानी कि देवी का निवास। महिषासुर जो एक भैंसा राक्षस है, जिसने भगवान ब्रह्मा से अजयता का वरदान प्राप्त किया था, उत्पात मचा रहा था और देवताओं को अपने अधीन कर रहा था। उसे हराने में असमर्थ देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा माँ का निर्माण किया, जो असाधारण शक्ति और हथियारों से संपन्न थी। महिषासुर और दुर्गा माँ के बीच 9 दिनों और रातों तक युद्ध चला। अंत में 10वें दिन राक्षस की हार हुई, जिसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। हम लोग आए हैं तीस्ता। तीस्ता में हर कोई इकट्ठा होकर यहाँ पर बम फोड़ता है। हर एक तरफ आप लोग देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत सारे आदमी आते हैं, पटाखा फोड़ता है। हम लोग भी आए हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, और आप भी हमारा ये वीडियो देख के एंजॉय कीजिए। रास्ते में इतना ट्रैफिक है कि मैं क्या बोलूँ, तो गाड़ी निकालने का कोई चांस ही नहीं है, तो गाड़ी को यही पार्किंग करके पैदल ही चले जाते हैं। तो मैंने सिका को फ़ोन किया, वो पहले ही पहुंच चुका था, अभी उससे मिलते हैं। मॉर्निंग में तीस्ता का व्यू कुछ ऐसा है, यहाँ पर लोग 3 से 4 बजे ही सुबह आना स्टार्ट कर देते हैं। ओए तो बताओ किधर जा रहे हो तुम इतना देर तक? बोलो बोलो बोलो, अलो आप क्या कीजिएगा? बताइए, क्या बोलेंगे बताइए? पटाखा देखो अलो, इसको रात को फोड़ना चाहिए, तुम दिन को फोड़ रहे हो। ये क्या, तुम सुनो सुनो, तुम मुझे कितना बजे उठाए हो? कितना बजे? स्पीकिंग टू हिंदी। ये रहा, जब बम फोड़ना चाहिए था तब तो फोड़ा नहीं, अभी फोड़ रहा है ये। बहुत बड़ा वाला बम पकड़े हो तुम। अरे बाप रे, तूने पॉकेट में रखा था क्या? ना तेरा, तू तो कांप रहा है यार। कैसा लाया तू? ऐसा बम लाया कि वो फट ही नहीं रहा है। बम गया कहाँ, दिखाई भी नहीं दे रहा यार, इतना बड़ा है पर फट ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात, ये इंसान बम लाया है पर जो जलाना चाहिए जिससे वही नहीं लाए हो। वाह, अब हमारी मास्टरमाइंड एक आई है, लेजेंड। अरे वो जला रहे हैं, इतना खूबसूरत जलाया ये। तो गाइस देखिए, ये बम लाया है पर सलाई नहीं है, फिर किसी और से जाके मांग के लाया है। मिला? ऐसे मिला? किसी से नहीं मांग के लाया। किससे मांग के लाए हो तुम? हाँ, ये अभी तो कोई दुकान है नहीं जो तू खरीदेगा जाकर। अरे बाप रे, ये मेरा बम है, मैं करूं। गया तो ये। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे दीपावली ना, हैप्पी महालया, दीपावली ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या चाहिए? कुनाल रुक। कैसा इंसान है यार तू? तुम्हें ये फोड़ना चाहिए। चल चल, हो गया, ज्यादा मत फोड़। ओए ऐसा कांड मत कर यार। अब क्या जलाओगे? चरखी जलाएंगे, वो वाला गोल गोल वाला। कभी तुम्हारी
दीदी बोलती हैप्पी दीपावली, कभी तुम बोल दो हैप्पी होली, ये होली नहीं है, सनराइज हो गया है अभी तक तुम बोल रहे हो। अब मामा भांजी जलाएगी क्या? अनु को अनु कान बंद कर रहा है, पहली बार ये बम हो रहा है। हम तो छिप छिप पूछ गाइस, ये आसेदारा बम फोड़ दे कोच। तो गाइस देखिए, ये इंसान सब बम फोड़ चुका है। हैप्पी बर्थडे टू गाइस, इसको देखिए, अपना पार्टनर मिल गया इसको। क्या कर रही है? सब बम फोड़ने के सिखा रहे गाइस। ये लोग को देखिए, वहाँ एक जंग का तैयारी कर रहा है ये। बाप रे, इसमें बहुत दम है। तो गाइस इसको देखिए, सबका बम फोड़ना हो गया है, पर ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति का बम फोड़ना हुआ नहीं है। चलो ना, हम अरेस्ट करवा देंगे तुमको। क्या खरीदेगा तुम? बम। किन से? इन लोगों से। अनु क्या हो गया बताओ तो, क्या चाहिए? अनु उधर जाना है क्या? बताओ, मैं कौन हूँ? कौन है? कौन है? शिखा मासी। शिखा मासी को ले जाओगे उधर? मिलो को मिलो। और तरफ बमी फट रहा है, इधर 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 और उधर, तो और भी रहा है उधर। इसलिए हम लोगों को ये जगह बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं भी रहो सब यहाँ पे आके फोड़ते हैं। ये जगह बहुत अच्छा भी लगता है। एक बम भी दिया फोड़ने के लिए, वो भी फूटता नहीं इससे। बम दिए हो बोलो तो। तुम्हें तारावती भी दिए, वो भी नहीं फोड़ पा रही हो। ऐसे बम दिए, मेरे पाव भी जल गया। यहाँ का नजारा कुछ ऐसा है, इतना भीड़। सुबह 3-4 बजे से आदमी स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर आना। पुलिस लोग है, ये लोग जिसका भी वो साउंड वाला जो बम है, ये लोग ले रहा है। तो गाइस यहाँ पर व्यू देखिए, इतना खूबसूरत है यहाँ पर। कहाँ मछली दाना खाता है? अभी वो पुलिस आया था, सबको निकाल दे रहा है, तो हम लोग भी जा रहे हैं। तुम बोलो, तुमको मजा आया? मजा तो आया एक्चुअली, ये यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। ये बोल रहे थे नहीं आएगी। आप बताओ, आगे सुबह कोई आता है? सुबह के उसको 4 बजे फोन किए थे, पर गए तुम्हारे घर कितना बजे? 4 बजे ये मुझे बोला उठने के लिए, 4 बजे उठाया, वो आया 6 बजे। इतना घंटों तक मुझे रिवेट करना है। ये गणपति पप्पा सच में ये गाड़ी उठेगा ही नहीं।